जो समस्या है, जब तक आप जमीन पर नहीं उतरिएगा तब तक जमीन की स्थिति आपको नहीं पता चलती। बंद कर ली वो ओपनली बोली है कि हम सोने जा रहे हैं, नाइट में गेट नॉक मत कीजिएगा। दवा का सबसे बड़ा समस्या है और जो बिहेवियर जो डॉक्टर और नर्सेस का होना चाहिए वो ठीक नहीं है। नो वन इज ऑब्जर्विंग दी नर्स कि वो सो रही है, उठी है, सही है। जो कमी होगा उसको दूर किया जाएगा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए रात के 10 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे हैं पटना के PMCH। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया है कैसे तेजस्वी यादव ने आज दिन भर, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या नगर विकास एवं आवास विभाग हो, उनके अधिकारियों के साथ बैठक की है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा भी रहेंगे, उनके अधिकारियों के साथ बैठक की है। और जो डेंगू का प्रकोप बढ़ते जा रहा है इसको देखते हुए सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, खुद पहुंचे हैं PMCH ये देखने के लिए कि जमीनी धरातल पर कितना काम हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में वही लोग पहुंचते हैं जिनके पास धन का अभाव होता है, जो उतने बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं। इसलिए सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था है या नहीं है, उन तमाम चीज़ों को देखने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं पटना के PMCH की। तेजस्वी यादव देर रात को पहुंचे हैं PMCH और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो PMCH के अधीक्षक हैं वो मौजूद हैं वहाँ पर। उन सभी के सामने आम पब्लिक से भी बात की है, जनता से भी बातचीत की है, जो वहाँ के पेशेंट्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा सुनिए। जो समस्या है, जब तक आप जमीन पर नहीं उतरिएगा तब तक जमीन की स्थिति आपको नहीं पता चलती। इसलिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर आप चीजों का जायजा लें। तो क्या आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, पता होगा तब तक जो है आप कमी को नहीं कर सकते। क्या कुछ कमी पाई गई, हम लोग काफी चीजें हैं जो अभी 60 दिन का चल रहा है, साफ सफाई को लेकर के, साफ सफाई में थोड़ा बेटर है लेकिन दवा का सबसे बड़ा समस्या है और जो बिहेवियर जो डॉक्टर और नर्सेस का होना चाहिए वो ठीक नहीं है। दवा लोगों को बाहर से लाना पड़ रहा है, इस पे हम लोग विशेष तौर पे तो क्या आवश्यक क्या दिशा निर्देश जारी किए सर भाई, अभी जाकर के हम लोग बात करेंगे सारी चीजें, सारा चीज जो कमी होगा उसको दूर किया जाएगा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। थोड़ा सा पीछे आप लोग भी होइए कैमरा वाले भाई, हम यहाँ देखें ये क्रिटिकल है और अब इसके बाद हम कल सवेरे तक अपना कोपर जो राउंड वाला है नो वन इज ऑब्जर्विंग दी नर्स कि वो सो रही है, उठी है, सही है। सर बी वार्ड में भी चलिए, सर बी वार्ड में भी चलिए, आप लोग सब पूरे नाइट तो वहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। तेजस्वी यादव एक्शन मोड में है, देखिए आज सुबह में ही उन्होंने पटना पहुँचने के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की है। पटना में भी फॉगिंग की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से शुरू रखा जाए, हर जगह पर साफ सफाई रखा जाए और आम लोगों से भी आग्रह किया है कि आप भी अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखें ताकि कोई लापरवाही ना हो। और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की है, उसके बाद देर रात को अपने PMCH पहुंच गए जहां की तमाम तस्वीरें आपको दिखाई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।